अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का दिन की मेरी क्या मसरूफियत है। अभी मुझे हम एक लोकल ग्रॉसरी शॉप में जाएंगे जहां पर कुछ देसी चीज़ें मिलती हैं, उनके मसाले हो गए, दालें हो गई। जो जो आज की मसरूफियत होंगी वो आपके साथ आज पूरा दिन हम शेयर करेंगे। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप, और वहाँ से पेट्रोल लेंगे, फिर हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। जिस स्टोर की मैं बात कर रहा था उसका नाम है शिम्स स्टोर, और वो कुछ स्पैम्सिस में है, और वो तकरीबन यहाँ से 15-20 किलोमीटर की ड्राइव है। मौसम भी अच्छा है। कोई आपको पेट्रोल पंप पे कोई लेबर कोई वर्कर नहीं मिलेगा, इसलिए सारा यहाँ पर पेट्रोल आपको खुद ही फिल करना है। तो इसके लिए ये तीन ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड है, दो चीज़ें, या तो आप यहाँ पर पेमेंट कर दें क्रेडिट कार्ड से, या तो फिर आप पेट्रोल डालें, उसके बाद वो वहाँ से आप स्टेशन नंबर बताएँ, जैसे स्टेशन नंबर 3 आप स्टेशन नंबर बताएँ, फिर वो आपको बताएँगे कि आपका कितना बिल हुआ है। बहरहाल तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करूँगा, इसलिए पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद फिर हम वो डालेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करें आपको कौन सा चाहिए। मुझे चाहिए सुपर क्लीन, थैंक यू। जिस तरह से आजकल पूरी दुनिया में पेट्रोल मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है और रेट कम हो गया, इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी अभी जो पेट्रोल का रेट है वो सुपर क्लीन के लिए 80 सेंट्स है, और जो सबसे कम है जो ग्रेड वाला है ऑक्टेन 87, इसका 74.7 है पर लीटर। जो है हमारा हो चुका है और पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको रिसीप्ट चाहिए तो रिसीप्ट के लिए आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हर पेट्रोल पंप के अंदर, चाहे आप पेट्रोल कनाडा से कराएं या किसी भी पेट्रोल पंप से कराएं, तो इनके कुछ पॉइंट सिस्टम होता है। मेरा चूँकि पेट्रोल कनाडा और मेरा RBC का कार्ड है तो मुझे कुछ 3 सेंट्स पर लीटर डिस्काउंट भी मिलता है, और हर बंदे की अपनी चॉइस है। अगर आप शेल से डलवाएंगे पेट्रोल, शेल से लेंगे तो आपको वहाँ पे शेल्स के एयर माइल्स मिलेंगे, और प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा पर लीटर कुछ 5 सेंट्स या 3 सेंट्स। तो ये हर जगह मौजूद है। इस वक्त मैं शिम्स स्टोर में पहुंच चुके हैं।
जी दोस्तों, जैसा कि बताया था मैंने आपको, इस वक्त मैं शेम्स स्टोर में मौजूद हूँ, जो कि एक देसी काइंड ऑफ देसी शॉप है, और इसके अंदर सेंट जॉन के लोगों के लिए और कुछ फैम्स लोग के आसपास के लोग लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। मसाले हो गए शान के और बाकी चीज़ें भी हो गई। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ के ओनर मौजूद हैं, जहान शाह भाई, हम इनसे बात करें। मोस्टली तो इंशाल्लाह मैंने काफ़ी ट्राई किया, जो मोस्टली किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो देसी मसाले वगैरह, चावल, आटा और पेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं। और हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% जो है अवेलेबल हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आस्ते आस्ते इम्प्रूव करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी का रिस्पांस मुझे मिल रहा है तो साथ साथ जो है इसको आगे और भी बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद तो कनेडियन एक्सपीरियंस है, यह देसी एक्सपीरियंस मेरा नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ कम्युनिटी ने मतलब इंसिस्ट किया तो मैंने इसके ऊपर शुरू किया यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी का सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है, तो ये जितना और सपोर्ट करेंगे इतना इंशाल्लाह और आगे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो यहाँ पर कुछ तकरीबन 40-45 साल से, लेकिन मुझे 3 साल हुए मैंने ये लिए हुए, तो तकरीबन साल एक हो गया कि मैंने इसमें देसी वो जो है शुरू किया है। पॉपुलर आइटम तो हमारे पास जो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं, ये फ्रोज़न पराठे हो गए और ये शान के मसाले हो गए और सारी दालें हो गई, जितनी दालें हैं अभी इसमें से कुछ दालें तो शार्ट है किया कोरोना की वजह से, लेकिन दालें हो गई और चावल हो गया, सवैयाँ हो गई और ये हमारा देसी साग हो गया, तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें, ये वो आइटम है जो सारी चलने वाली आइटम है। तो लोग बस रहे हो, ये शेयर आटा पहले यहाँ पर नहीं था अवेलेबल, अभी मैंने जब मतलब शुरू किया यहाँ पर तो लोगों को शेयर आटा भी यहाँ पर मिल रहा है, तो कस्टर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, देसी घी जो है, और रमज़ान के लिए खजूरें भी आई हुई हैं, और बेसन लोग ज़्यादा पूछते हैं तो बेसन भी आया हुआ है, सूजी वगैरह ये सारी चीज़ें, और अपनी देसी स्टाइल कुकीज़ हैं वो उधर लगी हुई हैं सारी, वो साइड पर लगी हुई हैं देसी स्टाइल कुकीज़, और बाकी फ्रोज़न कबाब है, फ्रोज़न शामी कबाब है, और फ्रोज़न वेजिटेबल भी हैं, और फ्रोज़न हमारे पास ना वो चपाती भी हैं शाना के, और रस मलाई है, गुलाब जामुन और मिल्की केक वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
नहीं, पहले ये इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, अभी शुरू किया। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है वो गोट मीट है, तो हमारे पास गोट मीट, लैम्ब और हलाल, मैं खुद जाता हूँ, खुद ज़बह करता हूँ और ख़ुद ही मतलब स्लॉटर में ज़बह करके अपने सामने पैकिंग करवा के तो मैं लेके आता हूँ, तो लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं वो लेने के लिए। लैम्ब थोड़ा सा अवेलेबल है और ग्राउंड बीफ अवेलेबल, लेकिन नॉर्मली जो है वो मिल जाता है आपको यहाँ पर, गोट, लैम्ब और बीफ ये सारा। और फिर ये है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं पहले से वो व्हाट्सअप ग्रुप एक मैंने बनाया हुआ है, उसमें सारे जितने मोस्टली देसी लोग हैं उनके नंबर मैंने डाले हुए हैं, तो उनको मैं मैसेज कर देता हूँ अगर किसी ने कोई स्पेशल आर्डर करना हो, तो फिर मैं वो स्पेशल आर्डर भी उनका ले लेता हूँ मैं जाने से पहले। बिल्कुल, वो हम ऑर्डर करते हैं और जैसे ही अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में तो वो हमारे पास पहुंच आते हैं। लोगों का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा रिस्पांस है, लेकिन मोस्टली हमारे लोग जो है वो सेंट जॉन सिटी में रहते हैं और मैं थोड़ा सा सबब में हूँ, तो ये एक हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा अनकन्वीनियंट है, मतलब कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए, तो वो थोड़ा सा वीकेंड पे ज़्यादातर वो आते हैं। फिर यहाँ पर 174 हैम्पटन रोड, क्विस्ट पैम्पसेस, न्यू ब्रांसविक। मैसेज ये कि जितना कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करेगी उतना इंशाल्लाह इसको मैं और इम्प्रूव करूँगा, तो मैं सारे कम्युनिटी को हैप्पी रमज़ान, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुशियों पर रमज़ान हमारा गुजरे और ये जो करोना वायरस है अल्लाह ताला अपने करम से इसको मतलब ख़त्म करे। शॉप की टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे 7 से 11 और संडे जो है 8 से 10। तो आपने देखा भी मेरी यहाँ के जो ओनर थे उनसे बात हुई अभी और उन्होंने बताया पूरी सारी बातें आपको बताई शॉप के बारे में, और यहाँ पर ये मसालों का मिलना और देसी चीज़ों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि इन्होंने हमारे लोगों के डिमांड के ऊपर और रिक्वेस्ट के ऊपर सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, सारे मसाले हो गए हैं और आपको सारी बातें ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये था एक छोटा सा टूर यहाँ का, कुछ पैम्पसेस का और इस शॉप का।